नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पूनम चौधरी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं चंद्र लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा हमारा 12 राशियों का हाल, हमारा आज के दिन का। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे, 1 जुलाई को कैसा रहेगा 12 राशियों से आपका दिन। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, आज का क्या है पॉजिटिव। मेष राशि वालों, आपके लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा किस्मत के घर में रहेगा, इस कारण सोचे हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। दोस्तों या रिश्तेदारों के जरिए आपकी मुलाकात कुछ महत्वपूर्ण लोगों से भी हो सकती है। आप जो भी काम शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। आज आपके कामकाज की भी तारीफ होगी, कोई इनाम भी आज आपको मिल सकता है। पॉजिटिव नजरिया आपके लिए कारगर रहेगा, दूसरे लोग आपके काम से प्रभावित होंगे। आप कोई नई तकनीक या कुछ नया सीखने की आज कोशिश कर सकते हैं और बड़े कामों की योजना बन सकती है आज। क्या है नेगेटिव आज के दिन में आपके लिए, आप पर कामकाज का बोझ भी ज्यादा रहेगा। आप कुछ काम जबरदस्ती या किसी दबाव में आकर कर सकते हैं। काम की धीमी गति से भी आपका मूड खराब हो सकता है, खर्चा आज बढ़ सकता है। जरूरी कामों में देरी होने से चिड़चिड़ापन रहेगा। आपके करियर की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र और बिजनेस में दोस्तों की हेल्प मिलेगी, थोड़ी टेंशन भी रहेगी। कानूनी मामले और मेडिकल फील्ड से जुड़े स्टूडेंट आज खुश रहेंगे। हेल्थ के मामले में आपके हाथ पैर दर्द हो सकते हैं और सेहत में थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं। मेष राशि वालों, आज आपको क्या नहीं करना, आज आप बाल या नाखून बिल्कुल ना कटवाएं। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए क्या है अच्छा आज के दिन में, आज आप कुछ नए कामों की प्लानिंग कर सकते हैं जिनसे आपको सक्सेस मिल सकती है। जो लोग बिजनेस और करियर से जुड़े हैं उन लोगों से मिलने के आज योग बन सकते हैं। आपको अचानक आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका मिल सकता है। नए अवसरों के बारे में विचार करें, कुछ नए दोस्त बन सकते हैं, कुछ लोगों से आज अच्छे संबंध हो जाएंगे आपके। आपको आज नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, पुरानी चली आ रही परेशानियां पर नए सिरे से आप विचार करेंगे और उसे निपटा लेंगे। आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहेगा, वृष राशि वालों के लिए दिन थोड़ा परेशानियों वाला होगा। आपके जीवन में बदलाव की जरूरत महसूस होगी। आज आने वाले दिनों में बदलाव होने की उम्मीद है। कुछ लोगों के साथ आपके संबंध भी खत्म हो सकते हैं। धन के खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण रखें, मन में उठने वाले सवालों के जवाब आपको परेशान कर सकते हैं। आपको जीवन में बदलाव की जरूरत भी महसूस होगी। कुछ लोगों के साथ संबंध खत्म हो सकते हैं। परिवार में विवाद होने की संभावना है और थोड़ा दिन टेंशन भरा रह सकता है। आपके करियर की बात करते हैं तो ऑफिस फील्ड और बिजनेस में ज्यादा मेहनत रहेगी, पुरस्कार कम मिलेंगे। महत्वपूर्ण मामलों में दोस्तों की राय ले सकते हैं आप। हेल्थ के मामले में थोड़ा सावधान रहें, पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। थकान और आलस्य भी रहेगा। लव लाइफ के लिए लव लाइफ की प्रॉब्लम निपटाने की कोशिश करेंगे, इसमें सफलता मिल सकती है। और वृषभ राशि वाले आज क्या करें, पीपल के पेड़ के नीचे पीली मिठाई के साथ पीला फूल रखें और घी का दीपक भी जलाएं। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, चंद्रमा गोचर कुंडली के सातवें भाव में रहेगा। परिवार के लोगों से आपको प्रेम और सम्मान मिलेगा। पैसों के जरूरी मामले में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। पैसों से जुड़े और घरेलू मामलों को सुलझाने के लिहाज से आपके लिए दिन अच्छा है। ऑफिस का काम जल्दी ही निपटा लेंगे। चंद्रमा के प्रभाव से साझेदारी के काम समय पर निमट जाएंगे। अपोजिट जेंडर वालों की मदद आज आपको मिल सकती है। जिन कामों को लेकर इतने दिनों से बेचैन है वो पूरे हो सकते हैं। अपना काम खत्म करने के बाद दूसरों की मदद जरूर करें। और क्या नेगेटिव है आज आपके लिए, अपने माइंड और बिहेवियर को बैलेंस रखने की कोशिश करें। आज किसी पर ज्यादा भरोसा करना और उस पर डिपेंड रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है।
पैसे खो भी सकते हैं। पैसों के लिए गलत और गैर कानूनी कामों की ओर आपका ध्यान जा सकता है। खुद को बचाएं, आज आप बड़े फैसले ना लें। आपके करियर की बात करते हैं तो फालतू खर्चे हो सकते हैं, किसी से बहस में ना पड़ें। अकेले रहने की भी इच्छा हो सकती है आज। जो पढ़ा था उससे कन्फ्यूजन भी बढ़ सकता है। स्टूडेंट को प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से सफलता मिल जाएगी। हेल्थ के मामले में यात्रा के योग बन सकते हैं आज। आपकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है। लव लाइफ की बात करते हैं तो लव पार्टनर पर ज़्यादा खर्चा हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपसे पूरी तरह अलग है। और मिथुन राशि वाले आज क्या करें, लाल कपड़े में मसूर की दाल रखकर किसी भिखारी को दान दें आज। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए क्या पॉजिटिव है, दिन भर आप बिजी रहेंगे और आपके लिए ये अच्छा भी रहेगा। कोई बड़ा फैसला भी आज आप ले सकते हैं। अपने कामकाज पर आपको प्राउड फील होगा। साथ काम करने वाले लोगों की हेल्प मिलेगी। पार्टनरशिप के मामलों में कोई बड़ी परेशानी है तो आप उससे भी आज सुलझा सकते हैं। प्रेम और रोमांस के विचार आपके दिलो दिमाग पर हावी हो सकते हैं। कोई रिश्तेदार की आपसे पैसों की मदद ले सकता है। कोई ना कोई काम लगातार बना रहेगा। विवाद और कोर्ट संबंधित अधूरे काम भी पूरे हो सकते हैं। अगर नेगेटिव पहलू देखते हैं तो जहां तक हो सके आप आज उधारी और वसूली के मामले में किसी से विवाद ना करें। बात शुरू होगी तो लंबी चल सकती है। दरअसल विवादी मामलों पर दूसरे लोग आपकी बात सुनने समझने के लिए राजी हो जाएंगे। आज आप लोगों पर अपना प्रभाव जताने के लालच में आकर ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। किसी मामले में आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। आपके साथ कोई अपना खास इंसान विश्वासघात भी कर सकता है। आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। करियर की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र और बिजनेस में संभल कर काम करें। पैसों का ध्यान रखें और विवाद से बचें। कैंपस में समय खराब हो सकता है। घर पर ज्यादा अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। हेल्थ के मामले में आज आपकी हेल्थ थोड़ा खराब हो सकती है। हल्की हरारत भी हो सकती है और चोट भी आ सकती है। लव लाइफ की बात करते हैं तो पार्टनर को खुश करने के लिए किसी मामले की आप अति कर सकते हैं। हो सकता है कि पार्टनर आपकी भावनाएं ना समझे। आज आपको क्या करना है, आज आप काली चींटियों को चीनी खिलाएं। बात करेंगे सिंह राशि की। आप अपनी सोच आज पॉजिटिव रखें और काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव रखें। लोगों की हेल्प करने में आज आपको अच्छा लगेगा। पैसे से जुड़ी कोई समस्या आज आपकी खत्म हो सकती है। आज आप लोगों की जितनी हेल्प करेंगे उतना ही आज आपको फायदा होगा। अपनी सोच को पूरी तरह पॉजिटिव रखें। जॉब में आज आपको इनकम बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। आज आप जो भी काम करेंगे वो जोश में करेंगे, लेकिन अपने जोश को थोड़ा संभाल कर रखिए। जितना आसानी से आप करेंगे आपको उतना फायदा होगा। और आज क्या नेगेटिव है आपके लिए, अपनी ईगो में ना रहें। आज आप अपनी ईगो में ज़्यादा समय खराब कर सकते हैं। आज आप कहीं बाहर जा सकते हैं। किसी यात्रा पर आपका खर्चा बढ़ सकता है। ज़्यादा जोश भी आपको परेशान कर सकता है। आपकी असफलता आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। करियर की बात करते हैं तो करियर में आज आप इधर उधर की बातों में समय न गंवाएं। स्टूडेंट के लिए समय ये अच्छा रहेगा। आपके ऑफिस या जॉब में जो भी है वहाँ पे सावधान होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आप वहाँ सावधान रहिए। हेल्थ की बात करते हैं तो आज आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है। लव लाइफ की बात करते हैं तो आज आप अपने जीवन साथी और प्रेमी से आज आपका विवाद बढ़ सकता है। कोई आपको लव प्रपोजल भी भेज सकता है। थोड़ा पेशेंस रखें। सिंह राशि वाले क्या करें आज, आज आप किसी बूढ़े ब्राह्मण को कपड़े दान करें। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए क्या अच्छा है आज के दिन में। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वह आज आपके पक्ष में ही होगा। दिन शांति से निकालने की कोशिश करें। कुछ लोगों को आपकी जरूरत होगी
ऑफिस में चल रही राजनीति से थोड़ा दूर रहें तो साथ के लोग आपका सम्मान करेंगे। आपको अपने परिवार से भी आज सहयोग मिलेगा और समाज में कोई मान सम्मान भी आपको मिल सकता है। क्या नेगेटिव है आपके लिए? आज आप अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दें। बेचैनी और अनियमित खान पान, थकान और घबराहट के कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है। आप हर व्यक्ति की मांग पूरी करते रहें तो फिर भाग दौड़ ही करते रह जाएंगे। आपको सावधान रहना चाहिए, कोई गुप्त दुश्मन भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बिजनेस और जॉब में आप कोई नया काम शुरू ना करें। आपके करियर की बात करते हैं तो करियर में रुके हुए काम आज आप खींच तान कर पूरा कर सकते हैं। बिजनेस में पैसा अटक भी सकता है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए दिन मिला जुला फल देने वाला रहेगा आज। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपके घुटनों और जोड़ों में आज आपको दर्द में राहत मिल सकती है। लव लाइफ में आपके संबंध मधुर बनाने की कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। और आज आप क्या करें, आज आपको देर रात तक नहीं जगना है, आप जल्दी सो जाएं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज आपके लिए दिन में क्या अच्छा है, मेहनत का आपको पूरा फल मिल सकता है। सोचे हुए काम पूरा कर लें आज ही। यात्रा के भी योग बन रहे हैं, एक काम खत्म हो जाने के बाद ही दूसरा काम आज हाथ में ले। दिन भर अपनी उत्तेजना को काबू में रखने की कोशिश करें, घर परिवार के काम निपटा लें। हो सकता है आपको रिश्तेदार में सुधार या घर के सामानों में की मरम्मत भी करवानी पड़ सकती है। मेहनत का फल भी आज आपको मिलेगा। दोस्तों और भाइयों से आपको आज हेल्प मिल सकती है। आपके लिए क्या नेगेटिव है, आप किसी शौक पर ज्यादा ही पैसा खर्च कर सकते हैं। आपके सामने कोई दुविधा जैसी स्थिति भी बन सकती है कि आप ये काम करें या ना करें। आज आप किसी भी मामले पर ज्यादा जोश ना दिखाएं, थोड़ा शांत रहें तो बेहतर रहेगा। जॉब में बदलने के विचार भी आज आपको आ सकते हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। आप कुछ भी या किसी भी तरह का बदलाव आज ना करें तो अच्छा होगा। आपके करियर की बात करते हैं तो बिजनेस में अचानक फायदे होने के योग आज बन रहे हैं। अधिकारियों का आज सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ी टेंशन हो सकती है हेल्थ को लेकर, आज आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहें। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे, पुरानी चली आ रही अनबन भी खत्म हो जाएगी। और क्या करें आज तुला राशि वाले, किसी बूढ़े ब्राह्मण या पुजारी को गेहूँ और लाल मिठाई दान दें। बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या है पॉजिटिव इनके दिन में? आपको कुछ नया और सकारात्मक सोचना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी, धन लाभ के योग हैं, आपको रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आपकी बातचीत का तरीका आज अच्छा रहेगा। मन की बातें लोगों से शेयर करने के लिए भी आप उत्सुक रह सकते हैं। किसी तरह का निवेश करने का भी आज आपका मन बन सकता है। कुछ पुरानी बातें भी याद आ सकती हैं जिनसे आपको आज ज्यादा फायदा होगा। क्या है नेगेटिव आपके लिए, ऑफिस करियर और बिजनेस की चिंता में आप अपने ही लोगों को अनदेखा कर सकते हैं। समय का मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे आप, इससे आपके कुछ खास काम भी अधूरे रह सकते हैं। आज आप कोई कर्ज चुकाने का प्रेशर भी आप पर हो सकता है, परिवार पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। करियर की बात करें, ऑफिस में ज्यादा कामकाज रहेगा, निचले वर्ग के लोगों से आपको हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ के मामले में आज आपको चोट लग सकती है या सर दर्द भी हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करेंगे, आप भावनाएं समझेंगे और समझाने में भी सफल रहेंगे। क्या करें आज वृश्चिक राशि वाले, किसी गरीब को हरी सब्जी दान दें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए क्या है अच्छा आज के दिन में, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। आपका ध्यान परिवार और पैसे से जुड़े मामले पर रहेगा। किसी खबर से आपकी मानसिक और शारीरिक थकान भी दूर हो सकती है। आज आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपको बहुत खुशी का अनुभव होगा। पैसे कमाने के अच्छे मौके मिल सकते हैं।
थोड़ी सी कोशिशों से भी आप पैसों से जुड़ी समस्या सुलझा लेंगे। आपकी फैमिली में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। नई शुरुआत का आनंद लें। धनु राशि के लोग आज खर्चे पर कंट्रोल रखें, संयम और धैर्य रखने से आपके काम हो जाएंगे। और क्या अच्छा नहीं है आज आपके दिन में, पुरानी बातों पर ध्यान ना दें। नेगेटिव सोच में उलझकर आप परेशान हो सकते हैं, इस कारण आप आसानी से कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाएंगे। कामकाज के लिहाज से आज दिन व्यस्तता भरा हो सकता है। कामकाज में रुकावटें भी ज्यादा हो सकती हैं और ज्यादा पैसा खर्च होने से आप परेशान रहेंगे। करियर की बात करते हैं तो बिजनेस में आपको फायदा होगा अगर आप सावधानी से काम करें। कामकाज ज्यादा होने के कारण जॉब वाले लोग परेशान हो सकते हैं। स्टूडेंट को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है और दौड़ भाग भी रहेगी। हेल्थ की बात करें तो परिवार में किसी की सेहत भी बिगड़ सकती है। नींद की कमी से भी आप परेशान हो सकते हैं। लव लाइफ की बात करते हैं तो प्रेमी से आप चुचाते हैं, उसकी मांग या जिद ना करें वरना आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। और क्या करें धनु राशि वाले, आज किसी काने जिसकी एक आंख से दिखाई ना देता हो, काने या अंधे व्यक्ति को सफेद मिठाई खिलाएं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए क्या है आज के दिन में पॉजिटिव, कोई नया प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकता है। बेरोजगार लोगों के लिए अच्छा समय आ सकता है, नए लोग जुड़ेंगे। अपने पैसों और करियर की स्थिति को मजबूत करने के आपको मौके मिलेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो कोई भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा। आप किसी ऐसे काम के लिए हाँ कर सकते हैं जो फिलहाल आपको थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। रुकावटें और अनसुलझे मामलों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और क्या नेगेटिव है आज आपके लिए, ऑफिस में किसी की बुराई करने से बचें। अपने टैलेंट का आज आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, इससे आप थोड़े निराश भी हो सकते हैं। शक के आधार पर कोई टिप्पणी ना करें, ना ही किसी तरह का कोई फैसला लें। आपकी सोच में नकारात्मकता आई तो आप अपनी बात कह नहीं पाएंगे। निजी कामों के झंझट में पड़कर अपनी एकाग्रता ना टूटने दें। करियर की बात करते हैं तो करियर के लिए आज आपका दिन अच्छा रहेगा, कोई नया काम मिल सकता है। मेहनत में से पढ़ाई करें तो ज्यादा अच्छा होगा, कंफ्यूजन भी थोड़ा रहेगा। काम काज में ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ को लेकर थोड़ा मानसिक थकान रहेगी, पुराने रोग भी बने रहेंगे, किसी तरह की आपको एलर्जी भी हो सकती है। लव लाइफ की बात करते हैं तो अपना गुस्सा पार्टनर पर ना उतारें। आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे पार्टनर के दिल में आपकी इज्जत बढ़ सकती है। और क्या करें मकर राशि वाले, आज हनुमान मंदिर के पुजारी को मीठी रोटी और लाल कपड़ा दान करें। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए क्या है अच्छा आज के दिन में, आप अपने मन की भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान दें। प्रेम प्रसंग में भी सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकता है। आज आप लक्ष्य पूरा करने में आपके दोस्त परिवार और साथ काम करने वाले लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, पसंदीदा काम निपटाने और शौक पूरे करने के लिए आज का दिन अनुकूल है। दूर स्थान पर रहने वाले लोगों से आपको मदद मिलेगी और नए कामों की प्लानिंग हो सकती है। और क्या नेगेटिव है आज आपके लिए, पैसों के लिहाज से थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपनी इमेज को लेकर आज आप ज्यादा ही सावधान रहेंगे। हेल्थ के मामले में आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, कुछ काम या खरीदारी में पैसे कम पड़ सकते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करने से बचें। किसी ना किसी बात से आज आपका मूड ऑफ हो सकता है। करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपके उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है, कोई ऑफर आपको छिपे ढंग से मिल सकता है। कैंपस में ज्यादा मेहनत हो सकती है, अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं। हेल्थ, आप एसिडिटी से परेशानी रहेगी आज आपको, कमर के निचले हिस्से में भी रोग हो सकता है। लव लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ के लिए दिन अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ समय बीतेगा और उलझी बातें सुलझ जाएंगी। और क्या करें आज आप आज के दिन में, केला और पीली मिठाई किसी गरीब को खिलाएं। अब बात करेंगे आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए क्या है पॉजिटिव आज के दिन में,
आज आप अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान दें। कोई पार्ट टाइम काम भी आपको मिल सकता है जो आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। कुछ दोस्त आपके लिए कई तरीकों से मददगार साबित होंगे। सामाजिक जीवन में भी गति आ सकती है। कुछ नए लोगों से मुलाकात और दोस्ती हो सकती है। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए समय बहुत अच्छा है। पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। सुखद और फायदेमंद यात्रा होने की संभावना है। कोई बड़ा फैसला भी आप ले सकते हैं। और क्या नेगेटिव है आपके लिए? कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। इसमें उलझकर आपके दूसरे काम अधूरे रह सकते हैं। जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं आप। मीन राशि वाले लोग आज मन ही मन किसी तरह की घुटन महसूस कर सकते हैं। आपके करियर की बात कर सकते हैं तो आज आपको करियर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में ना पड़ें। स्टूडेंट आज खुश रहेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा और दोस्तों से मदद मिल सकती है। हेल्थ की बात करें तो ब्लड प्रेशर की आपको समस्या हो सकती है। कोई पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। लव लाइफ की बात करते हैं तो आपको लव पार्टनर से सहयोग और प्रेम मिल सकता है। और क्या करें आज मीन राशि वाले? आज आप रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगाकर कौओं को खिलाएं। तो दोस्तों ये थी 12 राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा आपका आज का दिन। अगर आपको हमारी ऑडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ये जानकारियां लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।